बोर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स। व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जीएसटी ओवरव्यू, सेल्स टैक्स से जीएसटी तक की जर्नी जो है मैं आपको इसमें कराऊंगा, और बीच में जितने भी टैक्सेस आए, वैट, सीएसटी, सिन वैट, मोड वैट और एक्साइज, इस सब की जो है हम लोग मतलब डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या था। फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, रजिस्ट्रेशन भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है और किसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और रजिस्ट्रेशन के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं इस टॉपिक के अंडर में मैं कवर करूंगा। कंपोजिशन स्कीम के बारे में हम लोग सीखेंगे, कंपोजिशन स्कीम क्या है और क्या क्या प्रोविजंस हैं कंपोजिशन स्कीम में, कौन कौन स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ इसकी लिमिट्स क्या क्या हैं, और भी जो भी चीज़ें होंगी कंपोजिशन स्कीम में कंप्लीट इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कुछ टर्म्स देखेंगे, HSN और SSC, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि आगे फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, तो इसको भी मैं क्लियर करूँगा इस टॉपिक में। फिर देखेंगे हम लोग जीएसटी रेट में क्या क्या स्लैब्स बनाए गए हैं, कौन कौन से सामान को किस किस कैटेगरी में रखा गया है, क्या क्या टैक्स के रेट्स हैं, उस पर कंप्लीट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सप्लाई अंडर जीएसटी में कितने कितने तरह की सप्लाईज हैं और किस किस सप्लाई पे क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, वो का पूरा डिस्कशन जो है उस चीज़ का हम लोग इस टॉपिक के अंडर में करेंगे, ठीक है, जीएसटी के रेफरेंस में। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई जो भी हो रही है, गुड्स हैं सर्विसेज हैं, उसमें उनकी क्या वैल्यू रखी जाएगी जिस पे कि जीएसटी कैलकुलेट करना है, वो जो भी टॉपिक है आपका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में कवर किया जाएगा। मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी, आपका एक नया टॉपिक है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का जीएसटी में, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो क्या होता है और कंप्लीट मास्टरी जो है हम लोग करेंगे। इनवॉइसिंग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का, क्योंकि इसी पे डिपेंड करती है आपकी रिटर्न फाइलिंग और कंप्लीट जो भी आपका जीएसटी का पेपर वर्क है वो इनवॉइसिंग ही कहलाता है, तो इनवॉइसिंग का कंप्लीट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे और मास्टरी करेंगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल क्या है इनवॉइसिंग वो भी हम लोग देखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे हम लोग क्या होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में POS भी बोला जाता है, तो इससे डिटरमाइन होता है कि कौन सी सप्लाईज आपकी इंटर स्टेट हैं और कौन सी सप्लाईज इंट्रा स्टेट हैं, ठीक है, तो इससे ये डिटरमाइन होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है इसकी कंप्लीट मास्टरी हम लोग करेंगे। फिर हम लोग जीएसटी सेस के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी जिसे बोला जाता है, वो किस लिए बनाया गया और उसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसकी भी मास्टरी हम लोग करेंगे। इनवॉइसिंग के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि इनवॉइसिंग कैसे करनी है और कोई इनवॉइस है तो कैसे उसको एनालाइज करना है वो हम लोग देखेंगे। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग ईवे बिल के बारे में देखेंगे, ईवे बिल की भी कंप्लीट मास्टरी करेंगे कि कौन जनरेट करेगा, कैसे जनरेट करेगा और कब जनरेट करेगा। रिवर्स चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स चार्ज कब कब एप्लीकेबल होता है और इस पे टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है और क्या क्या इसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कंप्लीट उसकी मास्टरी जो है हम लोग करेंगे। अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है ITC का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो इसकी भी कंप्लीट मास्टरी, मतलब इसमें जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं इंक्लूडिंग ITC सेट ऑफ रूल्स, ITC रिवर्सल एंड रिक्लेम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, एडवांस टॉपिक माना जाता है आपका जीएसटी में, इसकी भी एक मतलब मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीका आपको बताऊंगा, इसकी भी कंप्लीट मास्टरी जो है हम लोग करेंगे। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में हम लोग जीएसटी के रेफरेंस में पढ़ेंगे और कैसे कैसे कैलकुलेशंस करने हैं ISD में, इनपुट क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ब्रांचेस पे वो भी हम लोग इस ISD टॉपिक में कवर करेंगे। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स,
कौन कौन लायबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, कैसे डिडक्ट करना है, कब कब डिडक्ट करना है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, ये सब पे हम लोग मास्टरी करेंगे इस टॉपिक के अंडर में। TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो जैसा कि आपका TDS है वैसा ही TCS भी आपका एक मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है GST का, तो इसकी भी कंप्लीट मास्टरी जो हम लोग करेंगे जो कि ई कॉमर्स के लिए बनाई गई है। GST ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे GST का क्या इम्पैक्ट है और क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं हम लोग को GST के अंडर में, और कैसा एक नो टैक्स का सिस्टम है हमको एक्सपोर्ट पे मिल रहा है जो GST के अंडर में, उसकी भी कंप्लीट मास्टरी जो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग GST रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे, GST रिटर्न की मास्टरी करेंगे जो कि इनवॉइसिंग का ये बीच का पोर्शन जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि मैक्सिमम जो भी देखो आप कोर्स करोगे, ठीक है, ऑनलाइन जो भी मैंने कोर्स सर्च किए देखा उनका पैटर्न, तो हाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में और रिटर्न फाइलिंग के बारे में ही जो है कंप्लीट फोकस रहता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक ये बीच का पोर्शन, बीच का गैप नहीं फिल होता, ठीक है, कि मतलब कंप्लायंस एक्चुअली में करना कैसे, GST का कंप्लायंस कोई भी बिजनेस कैसे करेगा, तब तक वाकई में एक्चुअली वो रिटर्न फाइलिंग सही से नहीं कर पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, जो कि बहुत एक छोटा सा पार्ट है, सिंपल पार्ट है, जब एक बार आप ये बीच का पोर्शन समझ जाओगे। फिर हम लोग ई लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर आपका फाइनल टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर GST, ये GST के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए कंप्लायंस के लिए, अगर ये आप नहीं करते हो तो GST क्या क्या पेनाल्टीज आपके ऊपर लगा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट मास्टरी करेंगे। हु एम आई, मैं कौन हूँ, एंड वाई मी, आप क्यों ये GST का जो भी प्रीसियस नॉलेज है जो कि आपको आगे हमेशा काम आएगा, ये आप मुझसे ही क्यों लोगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो ये GST का कोर्स आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जगह पढ़ोगे। GST जो कि जिसका नॉलेज बहुत ही प्रीसियस नॉलेज है और जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आगे काम देगा, वो एक ऐसे पर्सन से आप क्यों पढ़ोगे जिसका GST से दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया जिसका नाम है GST वेब सॉल्यूशंस, शॉर्ट फॉर्म में जिसको GWS भी बोला जाता है। इस एप्लीकेशन को इनवॉइसिंग और रिटर्न फाइलिंग के लिए बनाया गया। तो इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि ये एक सिंपल और इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जिसे एक अकाउंटेंट या फिर एक रिटेलर भी यूज़ कर सके, जिसको कोई अगर अकाउंटेंसी की कंप्लीट रिगरस नॉलेज नहीं हो वो भी अपना रिटर्न फाइलिंग और इनवॉइसिंग जो है आसानी से कर सके। तो इस एप्लीकेशन के कोर्स को लिखने के लिए मुझे GST की कंप्लीट मास्टरी करनी पड़ी, मुझे कंप्लीट रिसोर्सेज पढ़ने पड़े और रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीट देखने पड़े अलग अलग जगहों से, ताकि मैं GST में एक्सपर्ट हो जाऊँ। तो वो नॉलेज जो है, वो नॉलेज को मैंने एक ऑर्गेनाइज़ किया, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन किया उस नॉलेज का, ताकि उस नॉलेज को मैं सब तक पहुंचा सकूं, जिसको भी GST की मास्टरी करनी हो उसको अपना टाइम न वेस्ट करना पड़े, उसके लिए मैंने ये कोर्स बनाया। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स, ये कोर्स किसके लिए है, अकाउंटेंट्स। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, आप अपनी प्रैक्टिसिंग स्किल्स, GST प्रैक्टिसिंग स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हो, जो कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जैसे कि ITC रिवर्सल और रिक्लेम है, कैपिटल गुड की जो कैलकुलेशन होती है, तो ये सब जो टफ कैलकुलेशंस हैं इसको आप इजी तरीके से सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है आप अकाउंटिंग नहीं करते हो या फिर करते हो, तो भी GST की जो नॉलेज है वो बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए, क्योंकि जो भी GST के रूल्स और प्रोविजंस बनाए गए हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो एक्चुअल में वाकई में बिजनेस कर रहा है उसको भी कई बातें ऐसी हैं जो कि जाननी ज़रूरी है, जैसे कि ईवे बिल और भी जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तभी वो एफिशिएंटली कंप्लायंट हो पाएगा GST से। तो बिजनेस से अगर हल्का से भी आपका रिलेशन हो सकता है, आप एक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो किसी बिजनेस के, किसी एक कंपनी के, या फिर एक CEO हो सकते हो, कोई मालिक हो सकते हो, तो अगर
आपका हल्का सा भी रिलेशन है बिजनेस से किसी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फिर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आप हैं, जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएसटी भी शामिल है, तो कम टाइम में जीएसटी की मास्टरी करना बहुत कठिन होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये काफ़ी बिखरा हुआ है। तो अलग अलग जगह से जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उस पर मास्टरी करना सिंपल तरीके से, ये काफ़ी कठिन होगा। तो इसको आप इस कोर्स से जो है टैकल कर सकते हो। ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके सिलेबस में कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा मोड़ा भी कहीं से जीएसटी आता है। लेट्स गेट स्टार्टेड।